स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हफ्ते विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन दा बटन दबाना ना भूलो तां कि आउण वालियां स्टडी रिलेटेड वीडियोस दे अपडेट तुहानू समय से मिलदी रहे। सो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर दा फ्री मॉक टेस्ट जो साडे टैलीग्राम ग्रुप विच होया सी, उस दा पार्ट वन अज असी डिस्कस करांगे, जिस विच अज असी बेसिकली टैक्सेशन दे ते इंडस्ट्री डेवलपमेंट दे टैक्सेशन ते इंडस्ट्री डेवलपमेंट दे जो क्वेश्चन एग्जाम विच पूछे गए सी मॉक टेस्ट विच, जो 40 क्वेश्चन टैक्सेशन ते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दे पूछे गए सी वो असी करांगे। सो पहला क्वेश्चन सी एग्जाम च, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स। इनकम टैक्स एक्ट कदों फोर्स विच आया सी? तां 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962। दूजा क्वेश्चन सी, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम? तां 5 हेड हुंदे ने जी ग्रोस टोटल इनकम नूं कंप्यूट करन वास्ते। तीजा क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स टैक्स इज अबोलिश्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स? ठीक है जी, तां ओह है जी वैट, वैट टैक्स अबोलिश होया जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स द्वारा। ठीक है जी, बेसिकली अच्छी है ना दे ऑप्शन नहीं दिते, सीधा आंसर ही दिते हुए ने जिस दे नाल टाइम दी सेविंग हो सके। चौथा क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच पूछा गया सी, डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट ग्रॉस सैलरी, जिहड़ी ग्रॉस सैलरी दे अगेंस्ट डिडक्शन हुंदी आ उस नूं की कहिंदे ने? तां उस नूं प्रोफेशनल टैक्स कहा जांदा है। अगे चलदे हां जी, पंजवां क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच पूछा गया सी, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPF? RPF दी फुल फॉर्म की है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल फंड RPF दी फुल फॉर्म है। छेवां क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच पूछा गया सी, कैपिटल एसेट्स इंक्लूड, चार ऑप्शन तुहानू दिते सी, उन्हां ऑप्शनां चो जो करेक्ट ऑप्शन सी कैपिटल एसेट्स इंक्लूड शेयर्स। सत्तवां क्वेश्चन सी जी, विच कोड इज यूज टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विस अंडर GST? ठीक है जी, केड़ा कोड यूज हुंदा है जी क्लासीफाई करने वास्ते गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर GST? सैक कम HSN कोड। अठवां क्वेश्चन सी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉल, तां उस नूं कहिंदे ने जी रिवर्स टैक्स, रिवर्स टैक्स। नौवां क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच पूछा सी, द टैक्स विच वाज नॉट मर्ज इन टू GST? द बेसिक कस्टम ड्यूटी टैक्स की है जी मर्ज नहीं होया GST। दसवां क्वेश्चन मॉक टेस्ट दा सी, प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास इन विच ईयर? द प्रोविडेंट फंड एक्ट पास होया जी 1932। ग्यारहवां क्वेश्चन सी, इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स है? तो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। 12वां क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच सी, टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर GST आर डिटरमाइंड बाय? द टैक्स रेट हुंदी है जिहड़ी गुड्स ते GST दे अंडर ओह डिटरमाइन हुंदी है GST काउंसिल द्वारा, GST काउंसिल निर्धारित करती है कि किस चीज़ का की रेट होगा। ये टैक्सेशन दे क्वेश्चन ही चल रहे ने जी। 13वां क्वेश्चन मॉक टेस्ट विच पूछा गया सी, द सम ऑफ वेरियस हेड्स इज कॉल्ड, तां सारे हेड्स दे सम नूं की कहा जांदा है? ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कहा जांदा है सम ऑफ वेरियस हेड्स। 14वां क्वेश्चन, डैश इज कैजुअल इनकम, जेड़ी इनकम सानू लॉटरीज विनिंग तो हुंदी है जी उस नूं कहा जांदा है कैजुअल इनकम। ठीक है जी, डैश इज दी कैजुअल इनकम, तां विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जो भी लॉटरी तो अमाउंट विन करदे हां असीं उस नूं की कहा जांदा है कैजुअल इनकम। 15वां क्वेश्चन, पेंशन इज डैश अंडर सैलरी हेड, पेंशन है जो वो फुली टैक्सेबल है जी अंडर दी सैलरी हेड। जेकर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी गया है, पेंशन की है फुली टैक्सेबल है अंडर सैलरी हेड। 16वां क्वेश्चन देखो जी, द असेसिज कैन क्लेम रिलीफ अंडर डैश फॉर एरियर्स और एडवांस सैलरी, तो किस दे अंदर असीं रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? सैक्शन 89 सबसेक्शन 1, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 दे तहत असीं रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अगे देखो जी, 17वां क्वेश्चन,
द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट केम इन टू फोर्स इन, ठीक है जी, ग्रेच्युटी एक्ट कदों आया 1972 में। 18वां क्वेश्चन मॉक टेस्ट था जी, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन इज नाउन एज, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन नु की कहा जाता है, फर्म। 19वां क्वेश्चन टैक्सेशन टॉपिक तो सी, टैक्स रिफंड हैज टू बी क्लेम्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर तुसी टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो। ते 20वां क्वेश्चन ते आखिरी क्वेश्चन जो टैक्सेशन टॉपिक जो सी ओह सी, व्हाट परसेंट ऑफ जीएसटी इज लेड फॉर कोविड वैक्सीन इन इंडिया, ये करंट का क्वेश्चन सी। तो कोविड वैक्सीन ते 0.05%, ठीक है जी, 0.05%। हुण जिहड़े क्वेश्चन ने ओह इंडस्ट्री डिवेलपमेंट तो चलणगे जी, इंडस्ट्री डिवेलपमेंट जो टॉपिक दिता हुआ है, ठीक है जी, 40 क्वेश्चन टोटल सी टैक्सेशन ते इंडस्ट्री डिवेलपमेंट दे टॉपिक नु मिला के, ते इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट दे टॉपिक देखो जी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है जी आरबीआई द्वारा, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कढ़दी है। 22वां क्वेश्चन एमएसएमई, ठीक है जी, एमएसएमई इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, एम एस एम ई डिफाइन होंगी है जी एम एस एम ई डी एक्ट 2006 दे अंडर। 23वां क्वेश्चन सी जी, व्हाट इज एम एस एम ई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल कॉल्ड, ता एम एस एम ई दे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नु कहा जाता है जी एम एस एम ई संबंध। 24वां क्वेश्चन दी डीपीआर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंपोनेंट्स, ता डीपीआर से किन्ने कंपोनेंट होंगे ने जी, 3 कंपोनेंट डीपीआर विच हुंदे ने। 25वां क्वेश्चन सी मॉक टेस्ट विच, द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ मेजरली ऑफ डैश कैटेगरी, लेबर लॉ नु किन्ने तरह दी कैटेगरियां विच तुसी क्लासीफाई कर सकते हो, तां 2 तरह दी कैटेगरियां विच। 26वां क्वेश्चन सी लेबर लॉ इज, 4 ऑप्शन दिते हुए सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग प्रेसिडेंट्स जां ऑल ऑफ अबव, तां तीनों तरह दा है जी लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, रूलिंग भी है, प्रेसिडेंट्स भी है। 27वां क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट इन वाज इनएक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कदों इनएक्ट होया जी, 1970 विच कॉन्ट्रैक्ट लेबर इनएक्ट हुई सी। 28वां क्वेश्चन इंडिया इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922 तो इंडिया परमानेंट मेंबर है आईएलओ गवर्निंग बॉडी का। 29वां क्वेश्चन सी जी, दी थ्री टायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, यह की है जी थ्री टायर सिस्टम है एजुकेशन का, जिस विच पहला लेबर कोर्ट, दूजे ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तीजा की है नेशनल ट्रिब्यूनल। 30वां क्वेश्चन पूछा है सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी, तां लेबर वेलफेयर दी फंक्शनल थ्योरी नु की कहा जाता है जी, एफिशिएंसी थ्योरी कहा जाता है, फंक्शनल थ्योरी नु। 31वां क्वेश्चन व्हाट आइडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू प्रमोट इंडस्ट्री इन इंडिया, तां स्वदेशी यूज हुंदा सी जी। 32वां क्वेश्चन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया इज नाउन एज, भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नु की कहा जाता सी, तां उस नु कहा गया सी जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। अगे चलते हैं जी, 33वां क्वेश्चन मॉक टेस्ट च पूछा गया सी, इन विच ईयर वाज रूरल नॉन फार्म डिवेलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन फार्म डिवेलपमेंट एजेंसी इस्टैबलिश, तां 1995 विच होया। 34वां क्वेश्चन सी जी, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द इनिशिएटिव मेरी सहेली, मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया है जी इंडियन रेलवेज ने, इंडियन रेलवेज ने। अगे चलते हैं जी, 35वां क्वेश्चन है जी, वेज स्पाइरल इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तां वेज स्पाइरल कंसेप्ट रिलेटेड है जी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नाल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नाल। 36वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्री च फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं आती। 37वां क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, चार ऑप्शन तुहानू दिते हुए सी जिवें शिशु
ठीक है जी। होर ऑप्शन दिते हो जी तो वृद्ध की है जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दा अंडरी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। 38वां क्वेश्चन मॉक टेस्ट दा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नाउन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री। सनराइजिंग इंडस्ट्री केड़ी इंडस्ट्री नु कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नु। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नु की कहा जाता है? सनराइजिंग इंडस्ट्री। 39वां क्वेश्चन सी जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन। भारत का पहला 5 साल प्लान सी जो वो किस ते बेस सी? हैरोड डोमर मॉडल ते। 40वां ते आखिरी क्वेश्चन जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट टॉपिक तो सी, वो अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग द प्राइम मिनिस्टर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि तुहाडे वास्ते ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगी ते तुसी सारे क्वेश्चन नाल नाल नोट किते होंगे। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तां वीडियो नू लाइक जरूर करो ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड वीडियो दा आऊगा, उस विच असी जो जीके दे क्वेश्चन पूछे हुए सी, जीके क्वेश्चन ते पंजाब जीके दे जो क्वेश्चन पूछे हुए सी, सेकंड पार्ट च आपां ओह कवर करांगे। अज दे लैक्चर च असी इंडस्ट्री डिवेलपमेंट ते टैक्सेशन टॉपिक कवर कीता है। सो स्क्रीन ते हुण तुसी साडे चैनल दे कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो। हुण तुसी साडे नाल फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते जुड़ सकदे हो। इन्हां सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते साडे नाल जुड़न लई जो लिंक है ओह डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दिते गए ने वीडियो दे उत्तों तुसी ज्वाइन कर सकदे हो, जां फिर तुसी सर्च कर सकदे हो @PunjabKnowledgeHub। 22 तरीक 22 सितंबर नूं अपने जिहड़े टेलीग्राम ग्रुप विच फ्री मॉक टेस्ट लिता जाऊगा जी। 22 सितंबर नूं फ्री मॉक टेस्ट पंजाब पुलिस वास्ते, ठीक है जी, फ्री मॉक टेस्ट होगा पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल वास्ते। जेकर तुसी ओह टेस्ट देने दे इच्छुक हो तां तुसी साडे टेलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल मॉक टेस्ट दे रिगार्डिंग टेलीग्राम ग्रुप विच अवेलेबल है। जेकर तुहानूं फिर भी कोई क्वेरी है तां तुसी दित्ते गए नंबर 90415 40772 ते शनिवार ते ऐतवार नूं 9 तों 5 दे विचकार कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी लै सकते हो। सो दोस्तों, एक बार फिर तो जेकर वीडियो वधिया लगी तां वीडियो नूं लाइक जरूर करो ते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।